इसी बात को जो है वो जो चीज बाकी रह गई थी, मैं एक चीज आपसे स्पेसिफिक जानना चाहता हूँ कि संलेखना संधारा जो है ये उदय भाव है या पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ रियल पुरुषार्थ है, ये थोड़ा और स्पष्टीकरण मैं चाहता हूँ इसके लिए। ये संलेखना जो है ये तो साइंटिफिकली उदय कर्म ही है, यह पुरुषार्थ नहीं है। आंतरिक परिणति पुरुषार्थ हो सकती है, बाह्य अवस्था तो पुरुषार्थ नहीं होती है, क्योंकि सिद्धांत एक ही है कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती कुदरती रचना है। और जो संलेखना लेते हैं वो भी कुदरती रचना का ही हिस्सा है, यानी कर्म फल है, मगर जो परिणति होती है वो उनका पुरुषार्थ है। प्रकृति से जो कुछ भी होता है वो पुरुषार्थ नहीं होता, परिणाम तो ये सिद्धांत है। परिणति जो है उसके ऊपर उनके पुरुषार्थ का आधार है। तो इसीलिए हम तो कहेंगे कि लोग ज्ञान और विज्ञान को ज्यादा समझे और अपने जीवन को मुक्ति के मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में और आगे बढ़ाए, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये जो समाज के अंदर अभी चल रहा है उसके बारे में इसको सकारात्मक दृष्टि से प्रस्तुत किया, क्योंकि हम समाज में जी रहे हैं और कोई समाज में अच्छी चीज है चाहे वह व्यवहार, क्योंकि हम व्यवहार और निश्चय दोनों पलड़ों के बीच के अंदर सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए, झंझट नहीं होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा समाहित किया इसको, सभी दृष्टियों से आपके प्रति बहुत बहुत मंगल भावना। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।